हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा कि सर नॉट जो है वो रिपीट कर दें। हम क्या कर रहे हैं अभी, जो कुछ हमने आज तक पढ़ा है वो सब कुछ हम रिपीट करने जा रहे हैं आज की क्लास में। और हम रिपीट करने का तरीका ये होगा कि आपके सवालात लूँगा और फिर मैं वो वाला टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करके बताऊँगा आपको। अच्छा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि नाम में हमने देखा है कि आधी कहानी नाम में छुपी हुई होती है, तो हमने सबसे पहले नाम की डेफिनेशन जब देखी तो हमें क्या गूगल ने बताया, हमें गूगल ने बताया अ पॉइंट इन नेटवर्क, ठीक है, एट विच लाइन और पाथवे इंटरसेक्ट और ब्रांच, के कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे से जो क्या हो रहा हो। ये नेटवर्किंग की मिसाल है बाय द वे, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उसके अंदर ये मिसाल है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे से एक लाइन दो हो रही हो एक से, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हम नॉड कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, बॉटनी के अंदर जो नॉड किसको कहते हैं, द प्लांट ऑफ अ प्लांट और द पार्ट ऑफ अ प्लांट स्टेम, स्टेम कहते हैं वो तने को, जो डंडी होती है ना किसी भी दरख्त की, उसको द पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम फ्रॉम विच वन और मोर लीव इमर्ज ऑफन फॉर्मिंग अ स्लाइट स्वेलिंग। अच्छा, अब मैं जाता हूँ इमेजेस में और ये आपको मैं प्लांट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, प्लांट के अंदर ना जहाँ पे से दूसरा पत्ता निकल रहा होता है, यहाँ पे हल्का सा फूला हुआ होता है ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉड, ठीक है। अगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊँ तो प्लांट के अंदर देखें, जब पत्ता निकला हुआ है ना, छोटी छोटी कोपले निकल रही हैं, तो यहाँ पे फूला हुआ होता है, यहाँ से यानी एक से दो होने वाला है ये, ठीक है। ये और एक दो हम देख लेते हैं, ये वाली अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं मैं, तो इसके अंदर क्या है, ये बीच वाला जो पार्ट है ये मेन स्टेम है और यहाँ से जो क्या निकल रहे हैं, यहाँ से दो स्टेम और बाहर निकल रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट, इसको हम नॉड कहते हैं इस पॉइंट को। अच्छा, तो ये तो हमने जर्नल लाइफ की एग्जांपल देख ली कि इन जनरल हम नॉड किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, हल्का सा ये फूला हुआ होता है इस जगह पे, ये लाइट स्लाइट स्वेलिंग, ये बॉटनी के अंदर इसको हम नॉड कह रहे होते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर साइंस के अंदर जो नेटवर्किंग होती है, नेटवर्क के अंदर हम जो है वो किसको कह रहे होते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेटवर्किंग। हम अच्छी तरह देखना चाह रहे हैं कि नॉड जो है वो क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, एक कंप्यूटर है वो एक प्रिंटर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस प्रिंटर से ये भी जुड़ा हुआ है, एक लैपटॉप है ये भी इस प्रिंटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर ये कंप्यूटर जो है ये एक सर्वर से जुड़ा हुआ है, ये सर्वर, क्योंकि आम तौर पे जो ऑफिसेज होते हैं उसमें बिल्डिंग में एक सर्वर होता है मेन, जहाँ पे डेटा सेव होता है सारा, तो वहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर ये सर्वर एक दूसरे लैपटॉप से भी जुड़ा हुआ है, तो ये जितने भी डिवाइसेज हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, ये हर डिवाइस एक नॉड होती है, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम आप देखें, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये नॉड्स कौन कौन से हैं, रेड ब्लू ग्रीन और ये जो ब्लैक है, ये सब क्या है, नॉड्स हैं। अच्छा, इनके दरमियान जो कनेक्शन है उनको एजेस कहते हैं, इनके दरमियान जो कनेक्शन है उनको एजेस कहते हैं। अच्छा, ये किसी भी तरह का हो सकता है, ये सारी नॉड की एग्जांपल्स हैं, नॉड इस तरह भी हो सकते हैं, ठीक है, कि एक सर्वर है उससे कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, उससे और भी बहुत सारे, तो ये नॉड कुछ ट्री जैसे, ट्री के स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं नॉड, ठीक है। नॉड ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मैश। ये अब नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी से ये ना भी समझे आप तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉइंट मेरा कहने का ये है कि नॉड जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो कनेक्ट होने का अंदाज है ये मैश कहलाता है, नेटवर्किंग में इसको मैश कहते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं, नेटवर्किंग की बात है ये, इसको मैश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको जो हम कहते हैं ट्री, इस तरह की चीज़ को ट्री नेटवर्क है ये। अच्छा, ये भी ट्री नेटवर्क है कि एक कंप्यूटर है मेन, आप इसमें देखें एक मेन कंप्यूटर है सर्वर, उससे दो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और उनसे आगे दो जुड़े हुए हैं, उनसे आगे दो जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड नॉड। अच्छा, इसमें जो है, इसमें देखें छोटे छोटे जितने हैं ना, सब नॉड्स हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं अपने कंप्यूटर की अगर आपको एग्जांपल दूँ, तो मेरा कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो मेरा कंप्यूटर क्या हुआ, एक नॉड हुआ, ठीक है। अच्छा, और मैं अगर अपना कैमरा ओपन करके आपको दिखाऊँ, तो मेरे पास ये ब्लूटूथ हेडफोन है, अब मैं इसको जैसे ही निकालूंगा और कान में लगाऊंगा तो ये मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करना चाहता, तो जैसे ही ये मेरे कान में लगा लूंगा मैं और ये कनेक्ट हो जाएगा मेरे इस कंप्यूटर से,
ये हेडफोन जो लगा हुआ है ये एक नॉड होगा, मेरा कंप्यूटर एक नॉड होगा, आपस में कनेक्ट हैं ये दोनों, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अपना फ़ोन जो है वो कनेक्ट किया हुआ है तार के ज़रिए इस कंप्यूटर से, यूएसबी से कनेक्ट किया हुआ है मैंने, तो मेरा फ़ोन एक नॉड है। मेरे नेटवर्क के अंदर अगर मैं अपना नेटवर्क ड्रॉ करूँ तो बीच में मेरा कंप्यूटर है, मोबाइल एक नॉड है, इससे ब्लूटूथ का जो हेडफोन जुड़ा हुआ है वो एक नॉड है, ठीक है। अच्छा, और मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई प्रिंटर भी अगर है और मैं वायर से या वायरलेसली अगर उस कंप्यूटर उस प्रिंटर से कनेक्ट हूँ तो वो भी एक नॉड है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास अलग से कोई कीबोर्ड लगा हुआ है तार वाला तो वो भी एक नॉड होगा। तो हमने ये देखा कि कनेक्टेड डिवाइसेस जो होती हैं, डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो जितनी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी वो तमाम डिवाइसेस नॉड्स कहलाती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई कंप्यूटर नेटवर्किंग की मिसाल, इन जनरल ये हम चीज़ समझ रहे हैं अभी तक। जावास्क्रिप्ट में नॉड क्या होता है वो अभी तक हमने नहीं समझा, ठीक है। अब उसकी तरफ हम आते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो है नॉड जो है वो क्या चीज़ होता है। अच्छा, हम आ जाते हैं डॉम का जो सबसे पहला चैप्टर था ना उसमें आ जाते हैं हम, दी डॉम। अच्छा, नॉड को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि डॉम क्या होता है, क्योंकि नॉड जो है वो डॉम के अंदर होता है। नॉड जो होता है वो कहाँ होता है, डॉम के अंदर होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को ये समझना है कि गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है तो उसको पहले ये देखना होगा कि गाड़ी क्या चीज़ है, ठीक है। गाड़ी है क्या, गाड़ी तो मतलब गाड़ी पे बैठता है बंदा, ट्रैवल करता है, गाड़ी से बड़ी आसानियाँ होती हैं, ठीक है। गाड़ी में गियर्स होते हैं, स्टेयरिंग होती है, ये चीज़ें पहले देखनी पड़ेंगी उसको। डायरेक्ट उसको इंजन के बारे में अगर बताया जाए तो शायद उसको उस तरह से बात समझ में ना आए। तो पहले हम ज़रा डॉम को एक नज़र देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि डॉम के अंदर जो नॉड्स होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो डॉम क्या चीज़ होती है। डॉम जो होता है, जैसा कि हमने पहले ज़िक्र किया था कि HTML ब्राउज़र के ऊपर डायरेक्ट नहीं चल सकती, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कि अगर मैं कोई HTML की फ़ाइल बनाता हूँ, मैं कोड भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे VS कोड मैंने ओपन किया हुआ है, ओके। अब ये VS कोड में मैंने कुछ यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ये HTML ब्राउज़र पे डायरेक्ट चल जाए, ठीक है। ब्राउज़र HTML का कोड नहीं समझता है। ब्राउज़र पे जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ब्राउज़र क्या करता है, इस HTML को कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जब इसको वो कन्वर्ट करता है तो वो क्या करता है, वो इसको ऑब्जेक्ट बनाता है। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल भी तो बना सकता था, इफ एल्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जावास्क्रिप्ट में क्या बनाता है इसको, क्या ऐसी चीज़ बनाता है जो जावास्क्रिप्ट में बन, तो जावास्क्रिप्ट का जो है ना इसको ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है। अच्छा, काइंड ऑफ अगर मैं आपको एक डेमॉन्स्ट्रेशन करके बताऊं कि शायद कुछ ऐसा होता होगा, एग्जैक्टली तो वो नहीं होता लेकिन शायद कुछ ऐसा होता होगा, तो मैं कुछ आपको ये बताने की कोशिश करूँ। डॉक्यूमेंट, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, मिसाल के तौर पे मैं ब्राउज़र हूँ, मुझे ये HTML मिली है, मुझे इस HTML को रन करना है, तो मैं कैसे रन करूँगा, मैं लिखूँगा जिसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा पहले, तो मैं ये ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा डॉक्यूमेंट, उसके अंदर HTML, ठीक है। अच्छा, HTML के अंदर बॉडी, ठीक है, और हेड भी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं HTML को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ रन करने से पहले। हेड के अंदर क्या लिखा मैंने, टाइटल मैंने टाइटल लिखा, टाइटल के अगेंस्ट कुछ मेरे पास डेटा होगा, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट, HTML, हेड और टाइटल, और टाइटल के अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने, डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, और क्या क्या होता है हेड के अंदर, यार भूल गया हूँ मैं, लिख लेता हूँ थोड़ा वो बेसिक वाला ना। अच्छा, हेड के अंदर है, टाइटल है और मेटा है, तो चलो मेटा भी बना लेते हैं। मेटा क्या है, कैरेक्टर सेट UTF-8, सही है। अच्छा चलो, खैर हेड में टाइटल ही रहने देते हैं। अब बॉडी में क्या है, बॉडी में एक अदद है डिव और एक दूसरा डिव है, ठीक है, दो डिव हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी में आया मैंने कहा कि डिव वन, ठीक है, ये डिव वन हो गया, कॉमा
टू, सही है, ये एक डिव हो गया। अब डिव वन के अंदर क्या क्या कुछ है? डिव वन के अंदर तीन पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, तीन के बीच में 118 हटा देता हूँ मैं, तीन पैराग्राफ्स हैं इसमें, ठीक है। पैराग्राफ वन, उसमें कुछ क्या है? कुछ टेक्स्ट है। पैराग्राफ वन में जो भी टेक्स्ट है उसको मैं उठा के ले आता हूँ, ठीक है। उसके बाद है पी टू, इमेजिनरी बना रहा हूँ मैं ये, मोस्ट प्रोबेबली इस तरह का कुछ होता होगा, जस्ट टू मेक सेंस। ये हो गया, और तीसरा जो है वो ये वाला है पी थ्री, सही है जी। तीन पैराग्राफ मैंने इस डिव में बना दिए। दूसरे डिव में कितने पैराग्राफ हैं? इसमें दो पैराग्राफ हैं, ठीक है। मैंने कहा जी पी वन, पी टू, सही है, दो पैराग्राफ मैंने डिव टू में बना दिए। अच्छा, और क्या है इसमें? एक स्क्रिप्ट भी है, जाहिर है, एक स्क्रिप्ट का भी इसके अंदर पैराग्राफ वो है। दो डिव हैं और एक स्क्रिप्ट है, तो तीसरा मैंने डाला स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट है। अच्छा, स्क्रिप्ट के अंदर क्या है? स्क्रिप्ट के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, तो ये कोड मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, स्क्रिप्ट के अंदर ये कोड लगा दिया। ठीक है, ये स्क्रिप्ट हो गया। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब मुझे मिसाल के तौर पे इमेजिन करो, इसको बल्कि मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिख देता हूँ ना, ताकि मैं इसको चला के भी देख सकूँ। इसके लिए एक नई फाइल बना लेते हैं भाई दादा। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, abc.html, राइट, abc.html के अंदर मैंने ये पूरा यहाँ पे पेस्ट। सर, ये वाकई जेसन में कन्वर्ट होता है या आप समझाने के लिए बता रहे हैं? वाकई ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट यही तो होता है। तो अच्छा सर, ये फिर उसके बाद मशीन कोड में भी कन्वर्ट होता है? हाँ, मशीन कोड में भी होता है, बिल्कुल होता है, मशीन कोड में भी होता है, ऐसा ही है, ठीक है। कॉमा वगैरह मैंने जहाँ जहाँ नहीं लगाया, यहाँ एरर दे रहा था, तो मैंने ये इसको क्या कर दिया। देखो, कन्वर्ट तो ऑब्जेक्ट में ही होता है, ये तो पक्की बात है, लेकिन क्या एग्जैक्टली इस तरह होता है? नहीं, उसका वो एक बाकायदा है, पूरा एक तरीका है, क्योंकि जाहिर है, अब देखो ना, पी वन के ऊपर कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, ठीक है, पी वन पे कुछ क्लासेस भी लगी हुई हैं, बहुत सारी, पी वन में सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, बहुत कुछ है, तो जाहिर है थोड़ा सा मुख्तलिफ होता होगा, लेकिन होता यही है। मैं थोड़ा मिनिमल कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ कन्वर्जन, वो थोड़ी मिनिमल कर रहा हूँ मैं, सही है। और मैं ये HTML का कोड भी पूरा ले आता हूँ ना यहाँ से, क्योंकि यही तो वो कोड है जिसके रेफरेंस पे हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट को ये कट कर दिया सर। CSS भी इसमें कन्वर्ट होती है? हाँ, CSS भी कन्वर्ट होती है, CSS भी इसी में होती है। HTML और CSS पहले तो एक ही थी ना, वो तो बाद में उन्होंने अलग कर दिया कि नहीं यार CSS अलग होगी, पहले CSS एक ही थी, HTML CSS साथ में लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये जो, जब मैं कह रहा हूँ कि HTML JavaScript में कन्वर्ट होगा और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके चलेगा, तो इसका मतलब है HTML और CSS दोनों की बात हो रही है, ठीक है। ब्राउज़र को सिर्फ और सिर्फ JavaScript समझ आती है, उसके अलावा ब्राउज़र को कुछ भी समझ में नहीं आता, सही है। तो ये मैं असल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नॉर्ड क्या होता है। तो नॉर्ड को समझने के लिए पहले हमें डॉम को समझना होगा कि डॉम क्या है और उसकी हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अच्छा, डॉम की हमें ज़रूरत सिर्फ इस वजह से है कि जावास्क्रिप्ट के अलावा ब्राउज़र को कुछ समझ में नहीं आता, HTML ब्राउज़र को समझ में नहीं आती। तो ब्राउज़र को अगर अपनी बात समझानी है तो हमें जावास्क्रिप्ट में उसको कन्वर्ट करके फिर ही समझानी पड़ेगी, ठीक है। HTML तो इसलिए बनी हुई है कि लोगों को लिखने में आसानी हो, लेकिन अल्टीमेटली ब्राउज़र को HTML नहीं आती, ब्राउज़र को सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है। तो इसलिए हमें, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये जितना भी HTML लिखा हुआ है इसको मैं जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करूँ, और फिर मैं क्या करूँ उसको ब्राउज़र को दूं, ताकि ब्राउज़र क्या करे, ग्राफिक कार्ड का जो ड्राइवर है आपकी मशीन में, उसको जाके बोले कि भाई क्या करो, ये डिव ऐसे करके बनाओ एक, और उसके अंदर ये लिख के डिस्प्ले करवा दो स्क्रीन पे। जाहिर है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना तो ग्राफिक कार्ड का काम है ना,
वो तो ग्राफिक कार्ड के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए क्या होगा कि अगर मैं छोटी सी यहाँ पर ड्राइंग ओप खोल लूँ, कि अब जैसे ये मेरा जो है ना कंप्यूटर है पूरा, ठीक है, कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम है ये मेरा। अब ये मेरे पास जो है ना क्या चल रहा है, ये मेरे पास एक गूगल क्रोम का ब्राउज़र चल रहा है, ठीक है। गूगल क्रोम का ब्राउज़र जो है वो स्क्रीन पे कुछ इसके डिस्प्ले होता है। तो ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने का काम कैसे हो रहा होता है, ये गूगल क्रोम के हाथ में थोड़ी है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में है। तो हम इमेजिन करते हैं ये हमारा कंप्यूटर है पूरा का पूरा, इसमें ये है एलसीडी, ठीक है, ये एलसीडी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये अंदर प्रोसेस चल रहा है गूगल क्रोम का, यानी कि ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड है या HTML जो भी है, CSS जो भी है, ये कुछ है। अब ये जो है ना गूगल क्रोम के ऊपर जब मैं डालूंगा, गूगल क्रोम के ऊपर जब ये डलेगी, तो गूगल क्रोम डायरेक्ट एलसीडी पे चीज़ें डिस्प्ले नहीं कर सकता, गूगल क्रोम के हाथ में ये है ही नहीं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये वाला, गूगल क्रोम इसको रिक्वेस्ट करेगा कि अच्छा यार ये डिव है, इसके अंदर लिखा हुआ है आई एम गुड बॉय लिखा हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ग्राफिक कार्ड से ये बोलेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक कार्ड को बोलेगा कि भाई ये चलाओ। सही है, ये ग्राफिक कार्ड है आपका, दोनों साइड इसकी ये हीट सिंक लगी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक कार्ड को, ग्राफिक कार्ड एलसीडी पर डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। इंटरनल तो असल में ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ब्राउज़र के ऊपर अगर HTML लिखूँ या जो भी लिखूँ, तो ब्राउज़र के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ब्राउज़र को फिर HTML समझ में भी नहीं आती, तो ब्राउज़र को पहले HTML को कन्वर्ट करना होगा जावास्क्रिप्ट में। ब्राउज़र क्या करता है, आपने जो ये HTML लिखी है, ब्राउज़र इसको कन्वर्ट करेगा पहले जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट में। और कन्वर्ट करने के बाद फिर जो भी ब्राउज़र के बाद समझ आएगी, वो बात किसको भेजेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजेगा वो बात, कि बोलेगा यार ये करो, स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करवा दो, या इफ़ एल्स जो भी चीज़ हम लगा रहे होते हैं पूरे अपने वेब में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ग्राफिक कार्ड के ज़रिए स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा। अच्छा, हमें ये फील नहीं होता इतना, क्योंकि हम तो डबल क्लिक करते हैं फाइल पे, फाइल खुल के सामने आ जाती है। हमारे कंप्यूटर इतने फास्ट हो गए हैं कि कितनी जल्दी ये काम होता है, पलक झपकने से भी कम टाइम में ये काम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें फील नहीं होता, लेकिन इंटरनली असल में हो रहा तो यही होता है। मैं वापस बंद कर देता हूँ इस ड्राइंग को, इससे पहले कि आप सब लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं मज़ी। तो वेल, तो अभी हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, अभी हम एज अ ब्राउज़र, हम खुद ब्राउज़र हैं, इमेजिन कर लें आप, हम खुद ब्राउज़र हैं और हम इस HTML को चलाना का चाहते हैं, तो हम इसको पहले जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार क्या बेवकूफ़ी की बात है, ये कोड तो छोटा सा था, ये इसको कन्वर्ट करके इतना बड़ा बना लिया। वो हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमें HTML ऐसे समझ में आती है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये चीज़ ज़्यादा मेक सेंस है, कंप्यूटर के लिए ये नॉनसेंस बात है ये जो लिखी हुई है, ठीक है। जब वो कन्वर्ट होकर ऐसा बन जाता है, तो ब्राउज़र बोलता है हाँ अब ये बात हुई ना जो मुझे समझ आएगी, ये जो बात लिखी हुई है ये हमें लग रहा है कि लंबी बात है ये, लेकिन कंप्यूटर के लिए, ब्राउज़र के लिए ये बात ज़्यादा मेक सेंस है, क्योंकि उसको ये बात समझ में आती है, HTML समझ में नहीं आती है उसको। अच्छा, तो अब इमेजिन करो, सोच के ज़रा गौर से बताओ कि अगर मुझे इस वाले टेक्स्ट को कंसोल पे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट के नाम से पता नहीं वेरिएबल बनाना अलाउ है या नहीं है, मुझे ये नहीं पता। वेल, तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग पे जाके मैं उसको बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट HTML डॉट बॉडी डॉट, ठीक है। अच्छा, इसको मैं डॉक्यूमेंट से ना DOC कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है डॉक्यूमेंट के नाम से ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, तो उससे नाम से बनाना हमें अलाउ ये नहीं करेगा। अच्छा, बॉडी के बाद है div1, मैंने कहा div1, उसके बाद डॉट क्या है, p1, तो मुझे ये उसकी उसके अगेंस्ट मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे उसके अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं स्क्रीन पर चलाकर देखूँ, तो इसमें क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, साउथ कैलिफोर्निया इज सनी, ये प्रिंट हो जाना चाहिए। चला के देखते हैं इसको, ठीक है, साउथ कैलिफोर्निया इज सनी, ये लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अगर ये चीज़ मुझे HTML से गेट करनी होती, तो मैं कैसे करता, तो ये मैं इसको कोई ना कोई आईडी दे देता,
मैंने कहा पी वन ये आईडी है तुम्हारी, और मैं सेम इसी तरीके से उसको क्या कर लेता, कॉन्सोल डॉट लॉग करके मैं बोलता डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, सही है, और मैं इसको लिख देता पी वन डॉट वैल्यू, सही है। तो मैंने क्या किया, ये जो मैं क्वेरी चलाता हूँ ना, ये क्वेरी HTML पे नहीं चलती, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये असल में डॉम है पूरा, ये डॉम पूरा ये वाला है, कन्वर्ट करके रखा हुआ है इसने। जब हम मांगते हैं तो वो क्या करता है, अच्छा एक तो तरीका ये है, मैं ऐसे डॉट 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 करके एक्सेस कर रहे हैं ना, ये क्या करता है पूरे ऑब्जेक्ट में देखता है कि भाई पी वन कहाँ पर है, वो देखता है अच्छा पी वन ये है, इसको उठा के लेकर आ जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ हो रही होती है डॉम के अंदर, ठीक है। तो ये हमें डॉम थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया कि अच्छा यार डॉम कुछ इस तरह से कन्वर्ट होता होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये डॉट पी वन डॉट वैल्यू में क्या लाता है, पी वन डॉट वैल्यू में अनडिफाइन क्यों लाया, अच्छा इनर टेक्स्ट होता है इसके, इनर HTML या इनर टेक्स्ट होता है, ठीक है, कैलिफोर्निया ऐसा नहीं, गलत मैंने लिख दिया था। अच्छा तो हमने ये देख लिया, अब आप ज़रा गौर करके बताएं, अगर मैं इस पूरे डॉम को, अगर मैं ड्रॉ करूं एज अ डायग्राम, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं एज अ डायग्राम तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा इसको, तो मैं उसके लिए दोबारा पेंट एक ओपन कर लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले है डॉक्यूमेंट, सही है, तो मैंने कहा भाई ये है डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। अच्छा उसके अंदर है HTML, मैंने कहा डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, HTML है, ये HTML हो गया, H लिख दिया मैंने इसके ऊपर। अच्छा HTML के अंदर क्या चीज़ है, हेड है और बॉडी है, तो मैंने कहा कि भाई क्या है, यहाँ पे एक हेड है, ये भी H हो गया, और मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, बॉडी है, ठीक है। अच्छा फिर बॉडी के अंदर क्या है, डिव वन और डिव टू है, मैंने कहा बॉडी के अंदर क्या है, एक डिव वन है और एक डिव टू है, सही है, और हर डिव के अंदर, पहले डिव में तीन पैराग्राफ्स हैं, मैंने कहा पहले डिव में तीन पैराग्राफ्स हैं, ये तीन पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, और दूसरे डिव में दो पैराग्राफ हैं, दूसरे डिव में ये पहला पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक हो गया। अच्छा अब इस पैराग्राफ के अंदर क्या है, पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, पी वन के अंदर एक टेक्स्ट मौजूद है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो मेरा पी वन था, ये मेरा पी वन है, सही है, इसके अंदर क्या मौजूद है, एक अदद टेक्स्ट भी मौजूद है टी, सही है। फिर पी टू के अंदर क्या है, ये मेरा पी टू था, इसके अंदर भी एक टेक्स्ट मौजूद है, मैंने कहा पी टू है ये, सही है, इसके अंदर भी क्या मौजूद है, एक अदद टेक्स्ट मौजूद है, फिर ये मेरा पी थ्री है, सही है, इसके अंदर भी एक अदद टेक्स्ट मौजूद है, सही है, फिर ये मेरा दूसरा वाला पी वन है, दूसरे वाले पैराग्राफ का, और फिर ये भी एक पैराग्राफ है, अब इन दोनों के अंदर भी एक एक टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है। अब सवाल ये कि क्या कोई पैराग्राफ ऐसा भी हो सकता है जिसमें टेक्स्ट ना हो, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, हो सकता है, अगर मैं कोई पैराग्राफ सिर्फ लगा के छोड़ दूँ, उसमें टेक्स्ट ना लिखूँ, मिसाल के तौर पर मैं क्या करूँ, इस पैराग्राफ में से टेक्स्ट हटा दूँ मैं, तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, राइट, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, तो फिर क्या होगा उस सूरत में, ये टेक्स्ट मौजूद फिर नहीं होगा, लेकिन अभी मेरे केस में है ये। अब ज़रा आप गौर से देख के बताएं कि ये डायग्राम देखने के बाद इसमें से कौन सी चीज़ है जो नॉड है, क्या ये नॉड है, क्या ये नॉड है, क्या ये नॉड है, जो हमने जर्नल डेफिनेशन देखी है उसके अकॉर्डिंग, कौन आप में से बताएगा? सर इसमें हर आइटम एक नोड है, हर आइटम एक नोड है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो हमारे पास डॉम में, क्योंकि डॉम कुछ इस तरह का बन जाता है कि एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए शायद नेटवर्किंग की जो टर्म इस्तेमाल होती थी या बायोलॉजी में जो टर्म इस्तेमाल होती थी, उस टर्म की यहाँ पे भी इंस्पिरेशन ले ली इन्होंने, और इन्होंने बोला कि ये जितने भी सर्कल मौजूद हैं ये सारे क्या हैं, एक एक नोड हैं। तो पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ एक नोड है और उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट एक और नोड है, दो नोड हैं ये, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी मज़ीद एग्जांपल देता हूँ,
थोड़ा सा इसको बल्कि स्क्रॉल कर लेते हैं। अब इमेजिन करें कि आपके पास पेंसिल कहाँ कर दी मैंने, ये रही। इमेजिन करें आप कि आपके पास एक अदद पैराग्राफ है। अब ये किसका चाइल्ड है किसका नहीं है वो अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ है, अभी तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इसमें क्या है, एक अदद क्या है, टेक्स्ट है। एक अदद टेक्स्ट है इसके अंदर, एक ही नॉड है इसका। क्या इस पैराग्राफ में दो टेक्स्ट भी हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, इस पैराग्राफ में दो टेक्स्ट भी हो सकते हैं। कैसे भला? वो ऐसे हो सकते हैं, मैं एक तीसरा पैराग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, और इस पैराग्राफ के अंदर अगर मैं हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखता हूँ तो ये टेक्स्ट एक नॉड है, ये दिस इज़ ओनली वन नॉड दैट इज़ लिविंग इनसाइड पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ है, इसमें एक टेक्स्ट है, ठीक है जी। हमारे पास एक पैराग्राफ है और उसके अंदर एक टेक्स्ट है, यहाँ तक तो बात सही। लेकिन दो टेक्स्ट कैसे हो सकता है? दो टेक्स्ट ऐसे हो सकता है इसके अंदर कि अब मैं यहाँ पे आऊँ और हेलो और वर्ल्ड के बीच में क्या लगा दूँ, एक अदद स्पैन लगा दूँ, ठीक है। हेलो इज़ वर्ल्ड, ये मैंने लगा दिया इसमें एक स्पैन। अच्छा, स्क्रीन पे जब ये डिस्प्ले होगा तो कुछ इस तरह से होगा, हेलो इज़ वर्ल्ड, स्क्रीन पे कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। ये स्पैन ज़ाहिर है नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन इस स्पैन को लगाने से क्या होगा, अब इसको अगर मैं डॉम के ऊपर ड्रॉ करूँ कि डॉम पे जब ये कन्वर्जन होगी तो ये क्या बनेगा, तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। डॉम पे जब ये कन्वर्ट होगा तो पैराग्राफ में एक पहले टेक्स्ट हो जाएगा, ये टेक्स्ट क्या है, हेलो, ठीक है, जो हेलो मैंने बात लिखी हुई थी वो हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक स्पैन होगा। अब ये स्पैन क्या है, एक एलिमेंट है, ये पूरा कंप्लीट एलिमेंट है। और उसके बाद एक दूसरा टेक्स्ट होगा, ये दूसरा टेक्स्ट होगा, ठीक है। ये जो पहला टेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्या है, हेलो। ये जो दूसरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्या है, वर्ल्ड। और ये जो स्पैन है, जाहिर है स्पैन जो है वो खुद एक एलिमेंट है, तो स्पैन के अंदर भी ये क्या होगा, एक टेक्स्ट नॉड होगा। स्पैन के अंदर एक टेक्स्ट नॉड होगा और इस टेक्स्ट नॉड में क्या बात लिखी हुई होगी, इसमें लिखा हुआ होगा इज। सही है, ये बात समझ में आई? तो एक पैराग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा टेक्स्ट नॉड भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस पैराग्राफ में जैसे कि ये वाला जो एग्जैक्टली ये वाला पैराग्राफ था, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर लेकर भी आ जाता हूँ, ठीक है, कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ हो और उसको कन्वर्ट किया जाए तो वो किस तरह से कन्वर्ट हो रही होगी। इसको मैं, ठीक है, तो मैंने ये अर्ज़ किया आपसे कि भाई अगर कुछ नम 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 नम, ठीक है, अगर ये HTML हो तो डॉम उसको कैसे कन्वर्ट करेगा अपने पास, तो वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेगा। ये एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ये हेलो जो था ये एक टेक्स्ट नॉड है, स्पैन जो था वो पूरा एलिमेंट है, तो ये स्पैन आ गया। स्पैन के अंदर एक टेक्स्ट नॉड है जिसमें लिखा हुआ है इज़। फिर पैराग्राफ के अंदर तीसरा नॉड जो है वो एक टेक्स्ट है जिसमें वर्ल्ड लिखा हुआ है जी। तो कुछ बेहतर हुआ समझ में आया कि नॉड किस चीज़ को कहते हैं हम? यस सर, समझ तो आया, बट सर एक क्वेश्चन है सर। जी प्लीज सर, वो ई के अगेंस्ट जो आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो सर वैसे तो ऐसे तो मुझे लगता है कि उसके अंदर डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट भी ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसके अंदर टेक्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यू इस तरीके से और भी। जी जी, मैं इसीलिए कह रहा था ये नॉन रियलिस्टिक है, ये रियल नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। जाहिर है P1 जो है, P1 इज़ एन एलिमेंट, तो इसमें क्या होगा, P1 जो है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा एक्चुअली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नॉड होगा पहला। अब मुझे नहीं पता वो डॉम में कैसे एग्जैक्टली उसको करते होंगे ये, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं बताते, हमें ये चीज़ नहीं बताई उन्होंने, हमें बोला है कि मेथड है ये वाले, ऐसे मेथड करोगे तो गेट होगा, ठीक है। अंदर एग्जैक्टली कैसे बना हुआ है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरह होगा। तो जैसे P1 है, अब P1 के अंदर एक टेक्स्ट नॉड, जैसे मैंने ये जिक्र किया कि एक टेक्स्ट नॉड है, तो यहाँ तक तो ये बात ट्रू थी कि P1 में टेक्स्ट नॉड है। लेकिन जब मैं ये वाली बात कहता हूँ, ये वाली बात,
तो ये मेरा जो नॉन रियलिस्टिक चीज़ थी ना, ये खुल के सामने आ गई कि ये वाकई नॉन रियलिस्टिक है। अच्छा अब अगर सोचूं मैं, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ कि अगर इस ऐसा इसके पीछे क्या होता होगा, मोस्ट प्रोबेबली तो इसके पीछे ये होता होगा कि टेक्स्ट नॉट, और ऐसे टेक्स्ट आ जाता होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया एक अदद स्पैन। सर मेरे ख्याल से ये डॉम का ऑब्जेक्ट कंसोल में मिलता है ना, वहाँ से भी हम देख सकते हैं क्या क्या मिलता है। वही मैं वही कह रहा हूँ, असल में यहाँ पे तो मैंने तीन लिखा है ना, उसमें सिर्फ इस टेक्स्ट नॉड के अंदर, ये टेक्स्ट नॉड भी डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं होता, सही है। इस टेक्स्ट नॉड के अंदर 3000 चीज़ें होती हैं। इस P1 के अंदर जब आप खोलेंगे ना ये, तो 3000 चीज़ें मिलती हैं आपको, ठीक है। लेकिन अभी मैं मिनिमल मिनिमल कुछ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह का हो गया, और स्पैन जो है वो क्या है, ख़ुद भी एक पूरा ऑब्जेक्ट है। स्पैन के अंदर टेक्स्ट नॉड होगा इज, तो शायद कुछ इस तरह का हो। लेकिन ये स्टिल, दिस इज स्टिल अ नॉन रियलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, ये रियलिस्टिक नहीं है, रियल नहीं है ये, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छा रियल वाला भी सही कह रहा है शहजाद, कि हम जो गेट करते हैं ना एलिमेंट, तो वहाँ पे मैं रियल वाला भी मिल जाता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ, बल्कि कमेंट क्या करूँ, छोड़ देता हूँ ऐसे। और मैं इसको बोलता हूँ कि कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैं एक पैराग्राफ को, जैसे कि ये पी वाला जो पैराग्राफ है, इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, ताकि मैं इसको गेट कर लूँ और एग्जैक्टली देख लूँ कि क्या मिलता है मुझे। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसको मैंने कह दिया भाई, बल्कि P10 दे देता हूँ इसकी मैं आईडी, सही है, P10 है ये। मैंने कहा P10 को पूरे को उठा के ले आओ और ला के स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। मैंने कहा कॉपी पाथ, और यहाँ पे ये ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा तो ये P10 मेरे पास आ गया, इसको मैंने ओपन किया, हेलो, उसके बाद स्पैन, उसके बाद वर्ल्ड। लेकिन स्टिल मुझे ये क्या दिखा रहा है, मुझे ये वो चीज़ दिखा रहा है जो मुझे समझ आए, ठीक है। कंप्यूटर वाली चीज़ मुझे नहीं दिखा रहा है ये। अब वो कैसे देखेंगे, इसको स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं ना, इसको स्ट्रिंगिफाई करके देखते हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे जेसन ही दिखाओ इसका, मुझे ये सब नहीं दिखाओ। जेसन डॉट ठीक है, मैंने कहा स्ट्रिंगिफाई करो, मुझे स्ट्रिंग बनाओ पूरा उसको। नहीं ये नहीं पकड़ में आ रहा, कैसे देखूंगा इसका मैं डॉट। डॉट नॉर्मलाइज, नहीं ये तो फंक्शन है नॉर्मलाइज। अच्छा एक तरीके से शायद हम देख सकते हैं, एक तरीके से शायद हम देख सकते हैं, पता है कैसे देख सकते हैं, हमने इवेंट्स पढ़े थे ना, मैं इस पर लगा देता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगाता हूँ, मैंने कहा कि सी ठीक है, यानी इस पैराग्राफ पे जब मैं क्लिक करूँ तो मुझे एक इवेंट मिले, तो इवेंट डॉट टारगेट पे मुझे ये पूरा पैराग्राफ दिख रहा होगा एक्चुअली ना, सही है। मैंने कहा सी थ्रो के नाम से एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे मुझे वो इवेंट मिलेगा, और मैं कॉन्सोल डॉट लॉग के ऊपर क्या करता हूँ, मैं इवेंट डॉट टारगेट को प्रिंट करूँगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, जिस एलिमेंट पे क्लिक हुआ है वो पूरा एलिमेंट मुझे मिल जाता है, ठीक है। होपफुली मुझे ये जेसन में दिखाया, मुझे ये HTML करके ना दिखाया, ठीक है। हेलो इस वर्ल्ड पे मैंने क्लिक किया, अरे यार मुझे फिर ये वैसे ही दिखा रहा है, क्या बकवास है। अच्छा सर ये जो आप लोग, मैं सिर्फ इवेंट करता हूँ, फंक्शन वगैरह लगाए हैं, मैं सिर्फ इवेंट करता हूँ। अच्छा ये ऐड इवेंट लिसनर से भी हो सकता है, फंक्शन से भी हो सकता है, तो सर इसमें कौन सा बेहतर है? ऐड इवेंट लिसनर वाला बेहतर है, एलिमेंट डॉट टारगेट, ये आ गया ना टारगेट। हाँ ये देखो ना P10 मुझे मिल गया, अब मुझे मिला है जेसन इसका जो मैं ढूंढ रहा था ना, ये इवेंट डॉट, ये पूरा जो है ना वो एलिमेंट है, टारगेट इक्वल्स टू ये पूरा एलिमेंट है,
ये पूरा एलिमेंट है ये, सही है। इस एलिमेंट के देखो क्या क्या कुछ है इसमें, ठीक है, आईडी भी है इसकी। तो मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह से होने जा रहा है ये। खोलता हूँ मैं इससे, अपना मैच करता हूँ, अपना वाला ना, इससे मैं मैच करता हूँ। ये पी, अच्छा ये पी टेन है, सही है। मिसाल के तौर पर ये क्या है, पी टेन है। तो इसने यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पर इसने बोला कि भाई ये पी टेन है। अच्छा पी टेन के अंदर क्या क्या कुछ है, पी टेन के अंदर सबसे पहले है आईडी, ठीक है, पी टेन की सबसे पहले आईडी है। अब यहाँ पे मैं ऐड करता जाता हूँ जो जो चीज़ें इसमें हैं। आईडी इसकी है पी टेन, ठीक है। और क्या है इसमें, टेक्स्ट नॉड नहीं है इसके अंदर डायरेक्ट ना। अच्छा नॉड नेम है इसके अंदर, ठीक है। मैं पिक एंड चूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ उठा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पी टेन के अंदर ये कुछ है, और ऐसी हज़ारों वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, जो मतलब जिस जिस की पॉसिबली कभी ज़रूरत पड़ सकती हो। ऑफसेट वगैरह है इसका, ऑन ब्लर है, क्या क्या फंक्शन इस पर है। इस पर क्लिक का फंक्शन एक लगा हुआ है, वो मौजूद है, क्लिक पे क्या मिलेगा, ठीक है। और हम देखते जाते हैं अब क्या क्या है। आउटर HTML है, इनर HTML है, सही है, ये है इसके अंदर आउटर HTML और इनर HTML, ठीक है। और हमारे पास देखते हैं क्या किया है, ये देख रहे हो, ये पी टेन के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैंने इसलिए थोड़ी नॉन रियलिस्टिक और सिंपल एग्जांपल बनाई थी। अच्छा अब इसके अंदर देखो, पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड है, सही है। चाइल्ड नोड वाले पे हम जाते हैं ज़रा, चाइल्ड नोड यहाँ पे आ रहा होगा, ये रहा चाइल्ड एलिमेंट, नहीं फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट है, मुझे सिर्फ चाइल्ड वाले चाहिए, तमाम चिल्ड्रन चाहिए। ये रहा चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड जो इसका वो एक एरे है, सही है। मैंने जो बनाया था ना ये स्पैन टेक्स्ट नोड, दिस इज़ नॉट द थिंग, ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अब इसमें क्या था, चाइल्ड नोड्स, और चाइल्ड नोड क्या है इसके अंदर, एक अदद एरे है जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं। चाइल्ड नोड एक एरे है, सही है। अब पहला जो है एलिमेंट वो एक टेक्स्ट है, दूसरा एक स्पैन है, तीसरा एक दोबारा एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब ये उसके अंदर का मुझे दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है। अब टेक्स्ट नोड के अंदर देखो क्या है, टेक्स्ट नोड के अंदर डेटा है हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक अदद यहाँ पे पूरा एक पूरा ऑब्जेक्ट है ये, सही है। इसका नाम है टेक्स्ट नोड, ठीक है, इसका नाम है टेक्स्ट नोड। अच्छा और इसके अंदर क्या है फिर सर, ये नोड हमारे किधर काम आएगा? अब ये बताता हूँ हमारे किधर काम आएगा। इसमें ये डेटा है हेलो, ठीक है। ये चाइल्ड नोड के अंदर ये टेक्स्ट नोड है, टेक्स्ट नोड, इसका डेटा है हेलो। और इसके अंदर अब देखो और क्या किया है, थोड़ा सा हम दो चार चीज़ देख लेते हैं ताकि मज़ीद मेक सेंस हो जाए, ठीक है। लेंथ इसकी है कि इसकी लेंथ क्या है, सेवन, लेंथ इसकी सेवन है, ठीक है। नॉड की वैल्यू क्या है इसके, वो भी ये है, ठीक है। नॉड की टाइप क्या है इसकी, वो ये है, सही है। नॉड का नेम क्या है, नॉड का नेम टेक्स्ट। तो ये हमने एक नोड तैयार कर लिया। अब इसी तरह दूसरा नोड है, दूसरा जो नोड है इसका वो क्या है, वो एक अदद स्पैन है। फिर तीसरा जो है वो टेक्स्ट नोड है, ठीक है, तीसरा जो है टेक्स्ट है। अब बीच में ये स्पैन है एक अदद। अब इस स्पैन के अंदर क्या क्या कुछ है वो एक बहुत लंबी एक डिटेल है, ठीक है। तो मैंने जो बनाया था वो काफ़ी सिंपल करके बनाया था, मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया था। लेकिन अब इस डायग्राम को देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि इस पैराग्राफ के अंदर जो नोड है उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी लेंथ क्या है। तो मुझे जैसे इस हेलो की लेंथ मैं जानना चाह रहा हूँ, जो स्पैन से पहले पहले वाला जो है उसकी लेंथ जानना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं बोलूँगा भाई पी टेन डॉट चाइल्ड नोड्स ज़ीरो डॉट लेंथ, तो मुझे लेंथ इस तरह मिल जाएगी। अच्छा तो अब आपने जैसे कि सवाल पूछा था कि हम जो ये
डॉम जो है हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है सही मानों में देखा जाए तो हम इसको क्यों देख रहे हैं, हम इसको क्यों समझ रहे हैं इतना, क्या ऐसी ज़रूरत हमें पड़ी है? क्योंकि देखो हमने तो HTML लिख दिया, ब्राउज़र को वो HTML मिल गया, उसने उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया, अब हमें क्यों इसको ज़रूरत है समझने की? यही सवाल है ना आपका? प्लीज़ अपना आप प्लीज़ वो कर सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं कि क्या यही सवाल है आपका? जी सर, बिल्कुल। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप में से कोई, क्योंकि हम ये टॉपिक क्लास में तो एक दफ़ा कवर कर चुके हैं, तो आप में से कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा कि हम नॉर्ड को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, वजह क्या है, फिर मैं भी बताऊंगा, लेकिन आप में से कोई भी ओपिनियन अगर देना चाहे अपना तो आई वेलकम। सर, डीप लेवल पे ये समझना चाहें कि पीछे चल क्या रहा है हमारे कोड के पीछे। हाँ, कोड के पीछे चल क्या रहा है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, लेकिन स्टिल ये तो फिर नॉलेज की हद तक हुआ ना कि अच्छा ठीक है पता है तो बस सही है, क्या कहीं पे इसकी ज़रूरत भी पड़ जाएगी इसका कोड लिखने की? सर 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 शायद कोई ऐसी वो सिचुएशन हो जहां हम आईडी से गेट ना कर सकें, इस वजह का। आईडी, जैसे CSS में भी हमने मुख्तलिफ सेलेक्टर पढ़ा था, मगर सारे तो हम यूज़ नहीं करते, रेयरली बहुत सारे ऐसे जो रेयरली यूज़ करते, शायद ये वजह हो। सही, और कोई प्लीज़ सर, बताना लास्ट चाहे। क्लास में आपने करके भी थोड़ा बहुत दिखाया था कि आप ये बता रहे थे कि आप इन नोट्स के जरिए पेरेंट तक भी जा सकते हैं और पेरेंट से लेके एंड तक भी जा सकते हैं। मतलब आप पूरे इन नोट्स को पढ़ के आप पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ चाहे एक्सेस कर सकते हैं बहुत। बिल्कुल सही बताया आपने, साथ ने बिल्कुल सही जवाब दिया। असल में हमें ये वाली चीज़ को जो हम समझ रहे हैं ना, वो हम इसलिए समझ रहे हैं कि बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ जाती है इस चीज़ की कि हम जो एक तो कन्वेंशनल तरीका है ना कि आईडी से गेट कर लो, एक तो कन्वेंशनल तरीका है कि आईडी से गेट कर लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ जगहों पे वो काम नहीं करता, मसला ये है, प्रॉब्लम उसके साथ ये है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँगा ना कि इस पैराग्राफ का इनर HTML मुझे ला के दो, ठीक है, मेरे पास P10 यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने बोला ये P10 उठाओ और इस पैराग्राफ का मुझे इनर HTML ला के दो, तो इनर HTML में पता है आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हेलो इज़ वर्ल्ड, ये पूरा मिल जाएगा। अब ये स्पैन बीच में से कहाँ गया? स्पैन का फील ही नहीं आएगी आपको इसमें कि स्पैन था भी या नहीं था, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको ये उठा के ला के दे देगा, हेलो इज़ HTML, ये इसका इनर टेक्स्ट आपने उठाया अगर तो ये मिल जाएगा। अच्छा, इनर HTML अगर मैं उठाऊंगा, ये तो मैंने इनर टेक्स्ट उठाया ना, इनर टेक्स्ट उठा लिया मैंने ये, ठीक है, अगर मैं इनर HTML उठाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये पूरा टेक्स्ट एज इट इज़ ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। अब ये स्पैन जो है इसको मैं या तो स्ट्रिंग के मेथड लगा के इसको मैं बीच से हटाऊं, कैसे हटाऊंगा मैं इसको बीच में से? ठीक है, मुझे मिसाल के तौर पे सिर्फ इस हेलो के साथ कोई प्रोसेस करना है, मुझे इन बाकियों के साथ नहीं करना, मतलब बहुत रेयर केस हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि सिर्फ एक वर्ड के साथ करना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ गई आप इनर HTML उठाएंगे ना, आपको ऐसे मिलेगा ये। अब इसको कैसे प्रोसेस करेंगे? आप स्ट्रिंग के मेथड लगा लगा के पागल हो जाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग का मेथड भी आपने लगा दिया लेकिन पता चला कल को यहाँ पे एक स्पैन और है, डायनेमिक होता है ना HTML, तो आजकल एक स्पैन और है यहाँ पे। अब आप ये चाहते हैं मिसाल के तौर पे कि इस पैराग्राफ के अंदर जितने डायरेक्ट टेक्स्ट हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट किसी किसी एलिमेंट के अंदर नहीं है, डायरेक्ट टेक्स्ट यानी एलिमेंट को हटाना चाहते हैं आप, डायरेक्ट टेक्स्ट के ऊपर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, इसके अंदर वाले एलिमेंट पे ना हो, तो ये आप कैसे करेंगे? अब आपको ये मिल गया टेक्स्ट, ठीक है, ये ऐसा टेक्स्ट मिल गया अब आपको, अब इसको आप कैसे करेंगे? तो ये क्या होता है, इनर HTML और गेट एलिमेंट बाय आईडी से ये चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं, ये चीज़ें नहीं कर सकते आप। तो पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह से कोई चीज़ उठा के लाना, ठीक है, बहुत टाइम पे आप ये गेट एलिमेंट बाय आईडी से ये काम नहीं कर सकते, फिर उसमें चेंज भी करना है ना आपको, चेंज करके आप रिफ्लेक्ट भी करना है वापस स्क्रीन पर, ठीक है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल आपको मैं देके बताता हूँ, ट्रेलो, ठीक है, ये ट्रेलो का आपका जो है ना एक
मैं ट्रेलो के होम पेज पे चला जाता हूँ, क्योंकि ये अभी जो खुला हुआ है ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही होम पे चला गया। लॉगिन करना पड़ेगा मुझे शायद। गूगल से करते हैं। मैंने एक नया बोर्ड क्रिएट कर, नहीं नया नहीं, पुराने को ही खोल लेते हैं किसी को, ठीक है। मैंने एक पुराना बोर्ड पहले से बना हुआ था वो खोल लिया। अब ये एक ना ट्रेलो एक ऐप है, ट्रेलो क्या है, एक ऐप है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम आती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्लस किया, मैंने लिखा सम टेक्स्ट, सही है। मैंने इसमें कुछ ऐड ऐड किया, कार्ड वन, कार्ड टू, ठीक है, लिस्ट टेस्ट न्यू। मैंने एक और लिस्ट बना दी, मैंने कहा न्यू लिस्ट टू, और लिस्ट बना दी। अब इसमें होता क्या है कि ये कार्ड को आप यहाँ से उठाते हैं ऐसे, ये देख रहे हो, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उठ जाता है कार्ड ये, और यहाँ ले जाके उसको मैं रख देता हूँ, चला जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ कार्ड बना लेता हूँ, चार पाँच, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ यूँ और यहाँ ले जाके रख देता हूँ, ठीक है। इसको ये ए एस लिखा हुआ है, ए एस को मैंने यहाँ से उठाया और नंबर टू पे ले जाके छोड़ दिया, रखा गया वहाँ पे ये, ठीक है। अब ये एस डी एफ है, एस डी एफ को मैंने यहाँ से उठाया और इन दोनों के बीच में भी रख सकता हूँ, नीचे भी रख सकता हूँ, मैंने बीच में रख दिया, देख रहे हो। ये असल में ये क्या हो रहा है, ये जो मैं एक कार्ड को एक जगह से उठाता हूँ दूसरी जगह रखता हूँ, ये असल में हो क्या रहा है, असल में एक डॉम का एक एलिमेंट है ये वाला। मैं यहाँ से उठाता हूँ तो क्या होता है, यहाँ से ये रिमूव हो जाता है और जहाँ ले जाता हूँ वहाँ पे ले जाके इसको ऐड कर देता हूँ। अब एक पूरे एलिमेंट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाके ऐड करना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल विथ विदाउट डॉम, सही है, विदाउट डॉम मेथड्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल। डॉम का मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी कई एग्जांपल्स हैं जिसमें डॉम मैनिपुलेशन हो रही होती है, ख़ास तौर पे अभी जैसे हमने ड्राइंग ऐप बनाई थी, तो ड्राइंग ऐप तो चलो कैनवस पे हो गया था ना सारा कुछ, लेकिन इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं, ड्रैग ड्रॉप से जो प्रोग्रामिंग होती है, आपने बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म देखे होंगे कि वो ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं लाके और पूरी मोबाइल ऐप बनना शुरू हो जाती है सामने ना, मतलब यूआई बन रही होती है या कुछ भी बन रहा होता है, जैसे ड्रैग ड्रॉप यूआई बिल्डर, ठीक है। इस तरह की कुछ ऐप्स आपने देखी होंगी, आजकल बहुत नज़र आ रही हैं, तो मैं रैंडमली कोई भी ओपन कर लेता हूँ। यू आई बेकरी के नाम से एक मुझे अभी नज़र आया, ट्राई फॉर फ्री, ठीक है, मैंने कभी पहले यूज़ नहीं किया ये, अभी करते हैं, ज़रा रैंडमली मैंने खोला है वैसे ही। खुल जा सिमसिम, ये तो आज की डेट में ना खुलता, आज खुल गया, साइन अप कर लेते हैं इसको गूगल से। बकौल इनके ये ड्रैग ड्रॉप करके यूआई बिल्ड होती है इसमें। अरे भाई फाउंडर है आपका भाई, जाओ। डू यू हैव एनी सॉफ्टवेयर डेटाबेस स्किल? नो, ठीक है, नो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे बिल्कुल बिगनर वाला दिखाए, ये अदर कर देता हूँ इसको भी मैं, ताकि मुझे बिल्कुल बिगनर दिखाए, ड्रैग ड्रॉप दिखाए मुझे ताकि ये, ठीक है। वर्क स्पेस नाम, वर्क स्पेस नाम, ठीक हो गया जी, शुरू का सेटअप है ये गालबन। आज की डेट में कर दे बस सेटअप ये, मैं तो बोलता हूँ। खुल जा सैमसंग, क्या दिखा रहा है मुझे ये, मैंने कहा माई न्यू ऐप, ये मैंने ऐप का नाम रखा, सही है, माई न्यू ऐप मैंने लगा दिया ऐप का नाम। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने कहा स्क्रीन पे मुझे क्या चाहिए,
डिटेल का कार्ड चाहिए कर, ठीक है इसको देखो मैं उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ अपनी स्क्रीन पे। मैंने कहा स्क्रीन पे यहाँ पर ही आया डिटेल का कार्ड। अच्छा इसके एक साइड पे मैं चार्ट भी दिखाना चाहता हूँ। मैं देखो चार्ट को ऐसे छोटा भी कर रहा हूँ, छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ मैं इस चार्ट को। दूसरा वाला कहाँ गया यार, दूसरा गायब हो गया, ये क्या बात हुई। ठीक है इसको देखो मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन ये छोटा होगा नहीं, इसको बड़ा ही रखना पड़ेगा मुझे। मैंने इसको ऐसे बड़ा कर दिया, थोड़ा छोटा छोटा कर दिया, देख रहे हो ये मेरी पूरी स्क्रीन है ये। अच्छा ये जो पहले लगाया था मैंने वो भी यहाँ पे आ रहा है, ये मैंने यहाँ लगा दिया। इसके साथ मैं एक इमेज लगाना चाह रहा हूँ, देख रहे हो ड्रैग ड्रॉप करके पूरी यूआई बना रहा हूँ मैं। इसके साथ मैं एक इमेज लगाना चाहता हूँ, इमेज कहाँ पर है, अच्छा बटन लगा देता हूँ एक यहाँ पर। ठीक है बटन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ मोर डिटेल। ठीक है मोर डिटेल मैंने बटन का नाम रख दिया। इसके आगे मैंने क्या लगा दिया सिलेक्शन, चलो सिलेक्शन को डिलीट कर देते हैं, सिलेक्शन नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अदद इमेज चाहिए यहाँ पे। इमेज कहाँ से आएगी, इमेज लिख देता हूँ ना, गिरा इमेज मैंने एक अदद लगा दी यहाँ पे। मुझे इस जगह पे क्या करना है, एक अदद इमेज लगानी है, और इस इमेज की वैल्यू भी चाहिए मुझे। इस इमेज में क्या दूँ मैं, एक अदद फाइल दे देता हूँ अपने पास से। मैं डाउनलोड पे गया और मैंने कहा कि प्रोफाइल डॉट जेपैक, ये मैंने एक इमेज लगा दी यहाँ पे, सही है, मेक सेंस। अबे क्या हो गया स्क्रीन पूरी, सर ये ड्रैग ड्रॉप वाली चीज़ें डॉम से कैसे बन रही हैं, जो पहले आपने ट्विलियो पे दिखाया था वो। हाँ बस अब यही जो यही तो सवाल है असल, कि ये हो कैसे रहा है। अब यही तो मेरा सवाल है असल कि ये हो कैसे रहा है। जब मैं यहाँ से ड्रैग करके लाता हूँ, इमेज को मैं हटा देता हूँ, जब मैं यहाँ से कोई चीज़ टेबल को पकड़ के यहाँ पे लाता हूँ ड्रैग करके और यहाँ ला के छोड़ता हूँ, तो ये बन के आ जाता है यहाँ पे। इसको जब मैं छोटा करता हूँ तो ये छोटा हो जाता है, बड़ा करता हूँ तो बड़ा हो जाता है। ये डॉम के मेथड के बगैर ना, डैम डॉम का मेथड यूज़ किए बगैर ये पॉसिबल नहीं है, सही है। अभी अभी तक हमने बना के नहीं देखा कि कैसे बनेगा, इंशाल्लाह मौका मिला तो बनाएंगे भी, कोशिश करेंगे। ठीक है अभी तक हमने ये बना के नहीं देखा, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इस वक्त मार्केट में जो डॉम के मेथड के बगैर नहीं आपको मिलेगी। अच्छा फिनिश एडिटिंग कर दिया मैंने और ये मेरा पेज देखो बन के आ गया। अब इसको इसका यूआरएल कैसे जनरेट होगा, स्टेजिंग, अबे यूआरएल कैसे जनरेट होगा तेरा, ये मेरी वेबसाइट तो बन के तैयार हो गई, मेरी फ़ोटो भी आ गई, मेरी यहाँ पर लिस्ट भी आ गई। सर यूआरएल को हम अपना बनाएंगे, ये आ गया भाई, ये असली यूआरएल आ गया ना, लेकिन इसके ऊपर ये पहुंचा नहीं है अभी तक, पता नहीं क्या वजह। इसको शायद मुझे क्लिक करना पड़ेगा कि इसको पब्लिश करो, पब्लिश का लेकिन वॉच इंट्रो गेट डेमो, वेल ये पब्लिश करने का कोई बटन मुझे दिख रहा नहीं है यहाँ पे, शायद ये आप तो फ्री प्लान में मुझे पब्लिश नहीं करने दे रहा, ये मे बी ये मसला हो सकता है। सेटिंग 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 यूआरएल, अच्छा यूआरएल यहाँ इसने दिया हुआ है। अच्छा इस यूआरएल को मैं ज़रा खोलने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो क्या खुलेगा ये यूआई बेकरी, मतलब ये बन गया पूरा एचटीएमएल का पेज ना, डिज़ाइन हो के पूरा हो गया ये। अच्छा ये मुझसे ये लॉगिन मांग रहा है यहाँ पे, चलो छोड़ो। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि इस तरह की जो डॉम मैनिपुलेशन है जो अभी आप लोगों को मैंने करके दिखाई है ट्रेलो में और यहाँ पे, इस तरह की जो डैम डॉम मैनिपुलेशन है ये डॉम के मेथड्स के बगैर नहीं हो सकती, सही है। अब आ जाते हैं ज़रा ट्रेलो पे। देखो ट्रेलो को अगर मैं गौर से देखूँ तो ये जो लिस्ट है पूरी, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये जो लिस्ट है पूरी ये यहाँ से शुरू है, ये इतनी लिस्ट है पूरी ये वाली, ये लिस्ट क्या है, एक अदद
ये लिस्ट एक अदद नॉड है, इस लिस्ट के अंदर एक स्पैन होगा, और ये भी इसके क्या है, ये चाइल्ड नॉड्स हैं इसके, चाइल्ड नॉड 1, चाइल्ड नॉड 2, चाइल्ड नॉड 3, चाइल्ड नॉड 4, ये एरे है चार का। अब किसी एक के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, ये ड्रैग का इवेंट हम पढ़ चुके हैं कि क्लिक और ड्रैग के दोनों के इवेंट होते हैं हमारे पास, क्लिक के और ड्रैग के दोनों के जो इवेंट हैं उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको वहाँ से रिमूव करवा देता हूँ, और रिमूव करवा के जहाँ पे ले जाके छोड़ता हूँ मैं, वहाँ पे क्या करवा देता हूँ, उसको पुट कर देता हूँ। पुट करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है अपेंड चाइल्ड, डॉम का मेथड है अपेंड चाइल्ड, ठीक है, रिमूव चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, ये सब इसके अंदर मेथड मौजूद हैं जो हम देख चुके हैं। तो ये वही इस्तेमाल हो रहा है, उसी के ज़रिए पूरा काम हो रहा है, ठीक है। हाँ भाई सर, वो दिस के बारे में थोड़ा सा बता दें सर, फंक्शन में जो यूज़ होता है दिस। फंक्शन में जो दिस होता है ना, वो आगे है अभी, वो कौन से चैप्टर में बता देता हूँ मैं, वो है ऑब्जेक्ट के मेथड जहाँ पे बताए जा रहे हैं ना, कहाँ चला गया मेथड, फंक्शन के अंदर जो दिस होता है ना वो अभी आगे पढ़ेंगे हम, इस जगह पे कहीं पे होगा, वो कंस्ट्रक्टर वाले में होगा शायद। हाँ ये देख रहे हो, दिस का जिक्र यहाँ पर है फंक्शन के अंदर दिस। हाँ बोलो, चैप्टर नंबर 72 में इसका जिक्र है फंक्शन के अंदर जो दिस होता है, अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई सर, ES6 इस बुक में तो नहीं है ना, तो हाँ। क्या वो टेस्ट में आएगी यार? नहीं, ये जो बुक है टेस्ट बुक से होगा, जो बुक में है टेस्ट में वही आएगा बस। अच्छा, ES6 जो है वो ES5 के ऊपर एडिशन है, ES5 के ऊपर क्या है, एडिशन है, ES5 से कोई चीज़ रिमूव नहीं की गई है ES6 में, ठीक है। तो आपको अगर ES6 मैंने पढ़ा दिया है तो मतलब वो ES5 के ऊपर एडिशन है, ठीक है। अच्छा, ES5 में जैसे वेरिएबल के वार पे होइस्टिंग परफॉर्म होती है, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जो ES5 में वार लिखते थे ना, तो वेरिएबल वार वाला जो होता था उस पर होइस्टिंग परफॉर्म होती थी, अब जो है वार नहीं लिखते हैं, कॉन्स्ट लिखते हैं या लेट लिखते हैं, तो उस पर होइस्टिंग परफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह जो फंक्शन के कीवर्ड से जो फंक्शन बनता है, ES5 में जो तरीका था फंक्शन बनाने का कि फंक्शन के कीवर्ड से बनाते थे, उस पर भी होइस्टिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन जो नया वाला एरो फंक्शन है ES6 का, उस पर होइस्टिंग परफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। तो जो डिफरेंसेस थे वो भी मैंने साथ साथ आपको बताए हैं कि ES5 में और ES6 में जो डिफरेंस था ना कहीं पे भी अगर, तो वो मैंने पूरा बताया आप लोगों को साथ साथ ही। ठीक है दोस्तों, अच्छा, जिन्होंने ये सवाल पूछा था वो सवाल असली क्या पूछा था कि कहाँ पे यूज़ होगा, शहजाद ने पूछा था शायद। शहजाद तुम्हें समझ आ गया बात जो मैंने बताई, मतलब जिसने भी सवाल पूछा था उसका सवाल ये जवाब क्लियर हो गया उसका या नहीं हुआ, जवाब उसको मिल गया या मज़ीद समझाने की ज़रूरत है? जी जी सर, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, और हम ज़रा देख लेते हैं बुक में हमारे पास हमने और क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे। डॉम पे तो मेरा ख्याल है काफ़ी गुफ्तगू हो गई है, तो अटेंडेंस मार्क हो गई है? अटेंडेंस अभी तक मैंने नहीं लगाई है, अभी लगा लेता हूँ अटेंडेंस। अच्छा याद रहा तुमने, सर मैं लगा देता हूँ अटेंडेंस, वो आप ऐसा करें थोड़ा सा रिवीजन करवा दें अगर बुक का, थोड़ा सा 10 मिनट अटेंडेंस में, 2 मिनट में लगा देता हूँ। अच्छा ये अटेंडेंस हो रही है वेब डेवलपमेंट की क्लास की, और ये क्लास ख़त्म होने से 15 मिनट पहले हम ले रहे हैं, और ये हमारे पास ये पहला पेज आ गया, उसके बाद ये यहाँ से फिर दूसरा पेज आ गया, ठीक है। टोटल ये हमारे पास 26 लोग कनेक्टेड हैं, चलेंगे। अच्छा जी, अच्छा बुक में क्या चीज़ का रिवीजन करवाऊँ, क्या बोल रहे थे?
सर देख लें, कुछ 10 मिनट रहते हैं अभी। असल में देखो, रिवीजन तो बुक में बहुत सारा कुछ है ना, कोई टॉपिक का नाम बताओगे, कोई सवाल पूछोगे तो मैं फिर वो चीज़ रिपीट करूँगा। किसी का भी अगर कोई सवाल है पूरे बुक में कहीं से भी, तो हमारे पास 15 मिनट हैं अभी, 15-20 मिनट, या और 10-15 मिनट ऊपर भी जा सकते हैं, तो वो सवाल पूछ ले मुझसे, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो कोई छोटा मोटा टास्क मैं आपको दे सर देता हूँ, वो आप कर लें अभी 15 मिनट में। जी सर, मैंने वो लास्ट टाइम आपने चेक किया था असाइनमेंट ना, लॉगिन साइन अप वाला, तो मैंने हाँ आपसे कहा था मैं कंप्लीट करूंगा, वो मैंने कंप्लीट किया है, आप चेक कर लें, अगर उसके अंदर अभी भी कुछ है कमी तो फिर मैं उसको कंटिन्यू जी जी करूँ। भेज दें, उसका लिंक भेज दें मुझे, देख सर चेक में भेजा है मैंने। लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो साइन अप करता हूँ मैं। अच्छा, ये अभी लोकल होस्ट पे हुआ है ना, लोकल स्टोरेज में है ना, abc@gmail.com, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, एरर मुझे दे दिया इसने, 1 2 3 4 हो गया। साइन अप, साइन अप सक्सेसफुल, पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड डजंट मैच। अच्छा सही है, साइन अप सक्सेसफुल लिखा हुआ गया। अच्छा, साइन अप सक्सेसफुल के बाद मैं चला जाता हूँ लॉगिन पे, लॉगिन पे मैंने कहा abc@gmail.com, 1 2 3 4, लॉगिन। वाह भाई क्या बात है, ये नेक्स्ट वाला कैसे किया है? ये नेक्स्ट जो प्रेस होता है तो उस पर ये चेंज कैसे होता है क्वेश्चन, क्या किया तुमने? सर ये सारे हार्ड कोडेड हैं सर, ये दो अलग अलग रिपोजिटरी हैं, उनको मैंने वो किया हुआ है लिंक के जरिए ना, ये मतलब इसकी मैंने अलग अलग बनाई थी और वो मैंने अलग से बनाई है और दोनों को लिंक किया आपस में, बट अभी जो है मैं वो क्विज वाली को जो डॉक्यूमेंट है वो सारे उसमें सब लेकर आया। सही है, ठीक है, बैक करने से ये लॉगिन के पेज पे भी नहीं जा रहा। सही है, बिल्कुल सब चीज़ें तो सही लग रही हैं मुझे उसकी, सही, डैशबोर्ड पे भी नहीं जा रहा, लॉगिन कर लिया मैंने, ठीक है जी, स्टार्ट क्विज किया मैंने। यार ये कोई दूसरी रिपोजिटरी है क्या? जब मैं इस जगह पे आता हूँ क्या जी कोई? सर, मैं यही कह रहा हूँ कि दूसरी रिपोजिटरी से इसको लिंक किया हुआ है फिलहाल, मतलब इसके अंदर जो है ना ये क्विज वाली जो कोडिंग है इस फाइल में नहीं किया, अलग से रिपोजिटरी, और दोनों को आपस में अभी लिंक किया। वही सोच रहा था कि ये, अच्छा ये तो ऐसे डायरेक्ट खुलने वाली चीज़ है, स्टेटिक है ये, सही है। अच्छा, नेक्स्ट के बटन पे होता क्या है, ये अंदर का टेक्स्ट चेंज हो जाता है या क्या होता है, ये पूरा डिव है वो बना जी रहा है सर, नीचे पहले से टेक्स्ट टेक्स्ट चेंज हो रहा है अंदर का, सिर्फ चेंज टेक्स्ट हो रहा चेंज हो है, रहा है। तो असल में ये डॉम मैनिपुलेशन के जरिए ही हो रहा है ना टेक्स्ट चेंज, डॉम मैनिपुलेशन ही कहते हैं उसको भी, कि नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ तो इस एलिमेंट के अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो पूरा हट जाता है और दूसरा आ जाता है, जी सर, ठीक है, और ना सिर्फ टेक्स्ट आता है बल्कि वो पूरा असल में सिलेक्शन बॉक्स है और वो फिर रेडियो बटन्स हैं और पूरी वैल्यूज़ के साथ आता है, ठीक है। सर इसको एंड तक वो मैं एंड में इसमें एक सवाल करना है मैंने जी इसको आखिर तक लेके जाऊंगा ये बोल रहे हो, सर, बस वैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट कर दें वो होता रहेगा, सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो 10 11 12 कितने हैं टोटल ये? 20 अच्छा, करेक्ट आंसर भी बताता है ये, सही है यार। हाँ अब बोलो क्या सवाल है। हाँ सर, सवाल ये, अब अगेन के बटन पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये वापस मतलब वो आपको स्टार्ट वाले बटन उस पर लेकर जाएगा, ठीक है सर, अब आप बैक का बटन प्रेस करें कि दोबारा से उस पेज पर लेकर यहाँ तक लाया,
मैं ये चाह रहा हूँ कि अगेन पे जब क्लिक किया जब बैक आ जाए तो फिर दोबारा यहाँ नहीं आए, तो ये जब मैं उसको एक ही फाइल में करूँगा ये तब पॉसिबल है या अभी भी हो सकता है? नहीं अभी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है ना, तो अगेन जी पे तुमने लिंक लगाया हुआ है होम पेज का, जी बिल्कुल यही किया हुआ है ना, तो तुमने होम पे नहीं लगाना है, इस नेक्स्ट पे कोई ना कोई फंक्शन चलता होगा ना। नेक्स्ट पे क्या फंक्शन चलता है? नेक्स्ट पे फंक्शन चलता है सबमिट क्विज़। तो सबमिट जी क्विज़ पे तुम क्या लगाओगे? चेक लगाओगे। अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट अगर प्रेस करता हूँ, मैं अगर अब ये अगेन के बटन पे जो है वो क्या लगा हुआ है? सर ये तो मैंने एंकर का टैग लगा एंकर लगाया हुआ है। एंकर नहीं लगाओगे ना, यहाँ पे भी एक फंक्शन लगाओगे तुम, और फंक्शन के जरिए तुम क्या करोगे, वो सबमिट क्विज वाला काम कर दोगे, यानी पहले क्वेश्चन पे लेकर चले जाओगे उसको। पहले क्वेश्चन पे लेकर जाऊं या वो जहां पे स्टार्ट का बटन आता है वहां पर लेकर जाऊं? स्टार्ट के बटन पे भी ले जा सकते हो, स्टार्ट के बटन पे भी। अगर मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ तो नहीं ना, ये नेक्स्ट है, सही तो है, डायरेक्ट नेक्स्ट पे आता है ये। हम मे बी स्टार्ट के बटन पे भी ले जा सकते हो मे बी, लेकिन असल में चक्कर ये है वो पेज रीलोड होता है ना तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं सारी, मे बी इस वजह से तुम्हारा ये साइन इन पे आ जाता है दोबारा। असल में देखो पहली बात तो ये तुमने दो अलग अलग रिपोजिटरी में किया है ना, ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए था तुम्हें, इसको तुम एक रिपोजिटरी में करो, तुम्हें ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे होगा। ये दो रिपोजिटरी में होने की वजह से ना तुम समझ नहीं पा रहे होगी ये वो क्या है, समझ रहे हो बात? इसको पहले जी तो सर वो एक कर दूँ। एक जगह लाओ सारे कोड को, उसके बाद तुम जब करोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है सर। सर ये फेसबुक की और गूगल की ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे? जी कोशिश करेंगे हम पढ़ने की इंशाल्लाह, ज़रूर। असल में सैलानी का जो सेलेबस है ना वो सब लोगों का एक जैसा है ना, जितने भी सेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं ना तो वो सिलेबस एक जैसा है, तो अभी तक जो हमें सिलेबस बताया गया यानी मुझे वो जावास्क्रिप्ट तक का बताया गया, अब इसके बाद क्या होगा वो सैलानी वाले बताएंगे, तो इनशाला होगा ज़रूर लेकिन इसमें ये ठीक है, फेसबुक से जो लॉग इन साइन अप है वो होगा इनशाला इसमें। ठीक सर, जी वो 3GS यूज़ किया सर कभी आपने? जी 3D की लाइब्रेरी है, यूज़ तो इतना ज़्यादा मैंने नहीं किया लेकिन देखा है मैंने उसको कि वो क्या होता है। कोई भी आपको 3D बनाना हो ना तो वो 3.js से बनता है। आप इसके वेबसाइट पे भी जाएंगे तो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे ना। सर खोल के देखा था बट काफी मुश्किल तरीन काम लग रही है, तो ऐसा लग रहा नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है, लाइब्रेरी है ये, पहले से कोड लिखा हुआ है, आपने जैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है अब ये कहाँ लेकर आइए, मुझे इसको ओपन कैसे करेंगे, ये ओपन होता था पहले ये। अच्छा क्लिक टू सर एक्सपोर्ट मैंने करना है, अच्छा लोड एक हो रहा है, वीडियो देखी नहीं नहीं लोड हो रहा है ये, अभी लोड हो रहा है, ये लोड होगा तो फिर खुलेगा वो, ये वाला चक्कर है, ये अंदर बिल्डिंग बनी भी आ जाती है उसके आप फ्लोर चेंज सर होते एक रहते। वीडियो देखी थी मैंने सर, उसने उसने क्या किया पता? जी सर ये तो मैंने विजिट किया हुआ इस पे सर, मगर सर एक वीडियो देखी थी मैं उठाया, उसने अलग ही चीज खुद से बनाई है, हाँ हाँ बना सकते तो हैं बिल्कुल वो बिल्कुल बना मतलब सकते हैं। तो सर उसके लिए कौन सा कोर्स होता है सर? उसके लिए गेम डेवलपमेंट का कोर्स होता है, जावास्क्रिप्ट के जरिए गेम डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है जावास्क्रिप्ट के जरिए गेम डेवलपमेंट हो सकती है, पबजी के जैसा पूरा गेम 3.js और कुछ और भी लाइब्रेरीज हैं उनके जरिए पूरा पबजी जैसा गेम जावास्क्रिप्ट में बनाया जा सकता है। सही है ठीक। ये सारा कुछ बल्कि ऑलमोस्ट जो है ना पूरा पूरा वर्ल्ड इसमें जो डिसेंट्रल लैंड जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है ना, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे डिसेंट्रल लैंड वो इसी पे ही तो बना हुआ है पूरा, मतलब इस पे या इस जैसी किसी दूसरी लाइब्रेरी में या दो तीन लाइब्रेरी को मिला के बना हुआ है वो। सही है सर, ये सीखना फायदेमंद होगा? यार ये वेब डेवलपमेंट वालों के लिए तो नहीं है ये, अगर आप वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं, अभी सैलानी का कोर्स आप जो कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का ही है, तो उसमें फ़िलहाल इसको आप छोड़ दें, साइड पे कर दें इसको आप। सही है, अगर आपको गेम सर डेवलपमेंट वैसे करनी है आजकल तो फिर आप कोई मेंटोर ढूंढें जो गेम डेवलपमेंट आपको सिखाए पूरी। सही है,
या जैसे मेटावर्स का कोई कोर्स अभी अगर कोई करवा रहा है तो वो लोग भी ये पढ़ा रहे हैं मेटावर्स, क्योंकि इससे बन रहा है, ठीक है। इससे और इसके जैसे और भी लाइब्रेरीज हैं, यूनिटी है, अनरियल इंजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये अकेला नहीं है, इससे अकेले से कुछ नहीं बन सकता, ठीक है। अब मेटावर्स में सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो अगर कोई पढ़ा रहा है आपको तो आप फिर उसका कोर्स प्रॉपर फॉलो करें, और फिर उससे आप कोर्स शुरू करने से पहले ये भी पूछें कि ये करने के बाद मैं करूँगा क्या। जैसे मैं तो वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोर्स करने के बाद आप क्या करेंगे। जूनियर वेब डेवलपर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, या पेड इंटर्नशिप के लिए। तो आप उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि कहाँ अप्लाई करेंगे, वो आपसे कहेंगे कि गेम डेवलपमेंट। तो गेम डेवलपमेंट में कितनी जॉब है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, ज़ीरो के बराबर है फिलहाल, ठीक है। मेटावर्स की भी अभी कोई जॉब नहीं है, ज़ीरो है जॉब इस वक्त, लेकिन आने वाली है अगले 2 सालों में, ठीक है जी। सर मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से इसकी जैसे एनिमेशन टाइप की जो वेबसाइट है उसकी हाइप क्रिएट हो रही है। नहीं, वेबसाइट तो मतलब देखा है, बहुत पहले से चल रही है ना, लेकिन वेबसाइट की एनिमेशन के लिए तो क्या कहते हैं CSS3 के ऊपर ही सब बन जाता है, CSS3 एनिमेशन, ठीक है। वेबसाइट पे जो एनिमेशन लगती है वो तो CSS3 से हो जाती है सारी। मेरा नहीं ख्याल कि वेबसाइट पे किसी भी किस्म की ऐसी एनिमेशन आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी जो CSS3 से ना हो सकती हो। CSS3 की एनिमेशन अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ थोड़ा कि क्या मामला चल रहे हैं यहाँ पे। CSS3 की ना एनिमेशन स्टाइल और क्रॉस ब्राउज़र बहुत कट रही है सर, पता नहीं मेरे ही साथ है और भी लोगों के साथ। नहीं, मेरा इंटरनेट आज कुछ डिस्टर्ब हुआ है असल में। अच्छा, ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, एनिमेशन बना बना के रखे हुए हैं, कुछ बाउंस एनिमेशन, फ्लैश एनिमेशन, पॉज एनिमेशन, ठीक है, रबर की तरह खींच के आगे पीछे करने वाले एनिमेशंस, ठीक है, ये सब इन्होंने बना के रखा हुआ है पहले से ही, फेड इन फेड डाउन पहले से बना के रखा हुआ है। इसके अलावा भी ना बहुत सारी एनिमेशन और भी हैं, अभी आप ज़रा देखेंगे ना CSS ट्रिक्स के अंदर क्या एनिमेशन का इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। 25 कूल CSS एनिमेशन एग्जांपल्स, ठीक है, 25 कूल एनिमेशन हैं। 25 में नंबर वन कहाँ पर है, ये रहा नंबर वन, ठीक है। ये वीडियो बनाकर दिखाया है उन्होंने कि एनिमेशन बनने के बाद कैसी दिखेगी, देख रहे हो, ये वीडियो बनी हुई है, ये CSS3 से हुआ है, ये 3JS से नहीं हुआ, सही है, कोड इसका सामने लिखा हुआ है आपके, ठीक है। द बिग रिवील, सर मैं एक लिंक सेंड करता हूँ आपको, ज़रा वो देखें। स्टैगर ऑन के नाम से कोई एनिमेशन है, देख रहे हो दरवाज़ा खुल रहा है पूरा, गेम ऑफ द एयर, ये एनिमेशन है। अब इससे ज़्यादा एनिमेशन आपको वेबसाइट में मेरा नहीं ख्याल के रिक्वायर्ड है, जितना इन्होंने ये बना के दिखा दिया है। लेट्स गो, देखो इसमें आप, How well do you know what trended in search this year? Let's find out. म्यूजिक भी चल रहा है, मलिक। Which off limits item trended most in 2018? That's right. इससे ज़्यादा क्या एनिमेशन आपको चाहिए? Banned straws. This year, California banned single-use plastic straws due to their environment. Achha, next question, बस बहुत हो गया. Which Mars was searched more in 2018? Mars. That's right. The answer is Mars. Both are out of this world. Next. Which bear trended this year? Winnie Porch. That's right. The answer is next question. Moons were rising this year. Which moon trended more in 2018? Incorrect. वो website बहुत अच्छी लगती है मेरे को. The answer is blood moon. खोल के देखते हैं उस वेबसाइट को, कहाँ पे है ये, चैट में भेजा है वीट सिनिस्टर। हाँ ये तो मैंने ही भेजा था तुम्हें, नहीं मैंने नहीं भेजा था, तुमने भेजा था काफ़ी पहले।
सर क्या कुछ ऐसे 3D वेब डेवलपर नाम की कोई जॉब पोस्ट वगैरह होती है ऐसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये जो एनिमेशन हुई हुई है ना, ये भी CSS3 से हुई हुई है, सही हो गया? ये एनिमेशन CSS3 से हुई हुई है, ये जो सामने आपके बना हुआ रहा है। कौन सा है ये? अल्बिनो टोनिया जो भी नाम है इसका, माई नेम इज़ अल्बिनो टोनिया, ये CSS3 की एनिमेशन है, सही हो गया। और इसके लिए आपको 3JS की ज़रूरत नहीं है, 3D की ज़रूरत नहीं है आपको, ये CSS3 पे सारा हुआ हुआ है। और जो ये जिससे हुआ हुआ है ना, ये स्क्रॉल की एक लाइब्रेरी होती है पैरालेक्स, ये पैरालेक्स इफेक्ट हैं सारे, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पैरालेक्स इफेक्ट कहलाते हैं। और ये जो आप दिख रहे हैं ना 3D और पीछे शेडो आ रहा है, ये असल में 2D इमेज है, ये फोटोशॉप पे बनाई हुई इमेज है, दैट्स ऑल, ठीक है। और ये स्क्रॉल पे ये चेंज हो रही है इमेजेस, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखो क्यों मैं वापस स्क्रॉल करता हूँ ना, धुआं वापस कप के अंदर जा रहा है, ये देखो ये पैरालेक्स इमेज है, ये और कुछ भी नहीं है, ये देख रहे हो जो बीच में ये आता है ना, ये पैरालेक्स से किया हुआ है उन्होंने। ये दो तीन इमेज को ओवरले करके, एक को ओपेसिटी कम करके, एक की ओपेसिटी ज़्यादा करके ये किया हुआ है, ठीक है। ये डिस्टॉर्ट जो हो रहा है ना, ये डिस्टॉर्ट ये CSS3 में हो जाता है। समथिंग वेंट रॉन्ग कॉन्टैक्ट मी, बस यहाँ ख़त्म हो गया ये पेज, हाँ यहाँ ख़त्म हो गया। देखो अब ये नॉर्मल स्क्रॉल हो रहा है, आखिर में आ गया ना, तो अब नॉर्मल स्क्रॉल हो रहा है। अब इसको नीचे करूँगा तो ये नॉर्मल स्क्रॉल नहीं होगा, हालांकि स्क्रॉल बार देखो बना हुआ रहा है, इसमें स्क्रॉल बार से भी इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये देखो उसी तरह स्क्रॉल होगी, ये देखो ये उसी तरह स्क्रॉल हो रही है, ये पैरालेक्स इफेक्ट है सिंपल, ये 3D नहीं है, ठीक हो गया। अब सर 3D तो वो कहलाएगी ना जो माउस के कर्सर से आप मूव कर सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों हो ना इसके अंदर, वो कहलाएगी 3D, इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, इसमें सिर्फ एक्स और वाई। मकसद सर कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो माउस के कर्सर से, जैसे आप उस पे माउस लेकर जाएं वो मूव हो जाए कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कोई चीज, हां वहां पर, तो वो मतलब के प्री प्लान नहीं हो, वो उस वक्त के मूवमेंट के हिसाब से हो, वो 3D कहलाएगी, मैं यही है ना सर। अच्छा ये जो अभी हो रहा है ना, 3JS की जरूरत पड़ेगी, ये माउस से जो घूम रहा है ये 3JS से होगा माउस प्रॉब्ली, ये CSS3 में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि देखो इसमें तीन एक्सेस है, ये जो चीज़ मेरे सामने आ रही है ना, इसके देखो तीन एक्सेस हैं, ये 3 एक्सेस है, ये मुझे घूम के भी दिख रहा है, ये तीनों तीसरे साइड भी दिख रही है इसकी मुझे। ये जो आप देखो ये जो पत्ता बना हुआ है ना, ये 3JS का ऑब्जेक्ट है, ये इस पर प्लेस हुआ हुआ है जस्ट, ये इतना मुश्किल काम भी नहीं हुआ हुआ बाय द वे। ये 3JS किसी ये 3D मॉडलिंग के बंदे होते हैं ना, जो माया 3D माया वगैरह पे काम करते हैं, ये उनसे बनवा के ना ये जस्ट वेबसाइट पे प्लेस किया हुआ है 3JS के ज़रिए, और कुछ भी। और ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये पैरालेक्स इफेक्ट के ज़रिए हो रहा है, सही है। ये जो टेबल बनी हुई आई है ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये प्लेस हुआ हुआ है इसके ऊपर और ये मूव कर रहा है पैरालेक्स ऑब्जेक्ट के ज़रिए, पैरालेक्स इफेक्ट के ज़रिए, सही हो गया। हाँ ये बनाया हुआ तो अच्छा है इन्होंने सर, इतना तो सीखेंगे कम से कम कि 3D ऐसी अगर इमेज बनी हुई है तो वो लगाना आ जाए, वो सीखूंगा भाई। वेबसाइट बनाना तो सीख लो पहले, एप्लीकेशंस बनाना सीख लो, ये तो होता ही रहेगा। देखो असल में वेब डेवलपमेंट में ना दो पार्ट्स हैं, वेब डेवलपमेंट की भी दो शाखें हैं, एक है फ्रंट एंड एक है बैक एंड। अगर तो तुम्हें फ्रंट एंड पे रहना है सिर्फ, फ्रंट देखो मास्टर तो बंदा एक ही चीज़ में हो सकता है, या तो फ्रंट एंड में या तो बैक एंड में, ठीक है। फुल स्टैक फिर थोड़ा सा नॉर्मल ही रहता है फिर बंदा, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में नॉर्मल है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, लेकिन अगर मुझसे इस तरह का UI बनाने के लिए कहा जाएगा ना, मैं मना कर दूंगा, मैं कहूँगा ये मेरा काम नहीं है, मैं कहूँगा इसके लिए फ्रंट एंड का बंदा हायर करो भाई, एक ये मैं नहीं करके दूंगा, सही है, क्योंकि मेरा काम नहीं है ये, बात समझ रहे हो ये। तो अच्छा बैक एंड में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लिए मैं मना कर दूंगा, अगर वो बैक एंड में मुझसे बोलेगा कि मुझे ग्राफ डेटाबेस बना के दो और मुझे नॉलेज लेक पूरा तैयार करके दो, तो मैं मना कर दूंगा, मैं कहूँगा ये डेटा साइंटिस्ट का काम है, मेरा थोड़ी है ये, या मेरे साथ डेटा साइंटिस्ट हायर करो एक, जो उसका पार्ट है मैं उसको बता दूंगा, वो करता रहेगा। तो अब अगर आप सोचोगे ना कि मैं सब चीज़ें सीख लूँ तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो मैं इस तरह की UI अगर मुझे बोलेगा कोई बनाने कि यार इसको कॉपी भी कर दो, अगर इस वेबसाइट को कॉपी कर दो, तो मैं उसको मना कर दूंगा, सही है। या तो फिर मैं सिर्फ ये वेबसाइट बनाऊंगा फ्रंट एंड, मतलब मेरी फ्रंट एंड की जॉब मुझे पकड़ी है मैंने, तो फिर मेरे पास क्या होगा कि बैक एंड वगैरह की टेंशन मुझे नहीं है, सिर्फ फ्रंट एंड है, तो मैं थोड़ी थोड़ी रिसर्च करके बना के दे दूंगा। हाँ लेकिन फिर मैं पैसे भी चार्ज करूँगा पूरे, मतलब जो मुझे सर्च रिसर्च करने में भी जो टाइम लग रहा है वो भी मैं ट्रैकर पे उसको भी काउंट करूँगा, उसको भी पैसे मैं चार्ज करूँगा,
ठीक है, क्योंकि भाई अब आपको मैंने बता दिया है कि ये मेरी फील्ड नहीं है, फिर भी आप मुझसे कह रहे हो कि नहीं यार तू ही कर दे, तो फिर मैं बोलूँगा कि यार मैं जो जो लिख जब कोड लिखूँगा ना मैं, तो कोड लिखने के दौरान जाहिर है अब ये कैसे प्लेस हुआ भाई ये तो मुझे नहीं पता ना, मैं थोड़ा सा इसके लिए रिसर्च तो करूँगा, तो मैं वो रिसर्च भी पेड करूँगा, मैं फ्री में नहीं करूँगा। सर ये फंक्शन और एल्गोरिथम के लिए आपने बोला था, मैं एक वीडियो सीरीज बता दूंगा खुद देख के यूट्यूब से। फंक्शन और एल्गोरिथम ये मैं भूल गया हूँ, क्या तुमने सवाल किया ये मुझे सर याद आपने दिला बोला था सकते हो? जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक है फंक्शन और एल्गोरिथम, तो उसकी वीडियो सीरीज मैं आप लोग को खुद देख के बता दूंगा यूट्यूब से, तो उसको देख लेना। यार मुझे अभी याद नहीं आ रहा है तुम कौन सी की बात कर रहे हो, मैंने किस पॉइंट मतलब फंक्शन तो पढ़ लिया ना हमने। सर आपने कहा था कि ये भी एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का जो हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, आप लोगों ने खुद वीडियो से देखना है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जी शायद ये है। वो मैं यार आपको बता देता हूँ ना, यूट्यूब पे जाओगे MIT लिखोगे आ जाएगा, MIT डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सही है अगर मैंने स्पेलिंग सही लिखी है तो, ये इनका स्प्रिंग आ जाएगा, ये आ गया ना स्प्रिंग 2020, बस ये 32 वीडियोस का लेक्चर है ये देख लेना, ये 2011 का भी एक पढ़ा हुआ है लेकिन ये काफ़ी पुराना है, ठीक है तो 2020 वाला देख लेना नया वाला। सर लिंक भेज दें। अबे भाई ये तुम लिख के सर्च करोगे तुम्हारे पास भी आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये 32 वीडियो ही शुरू में ही आ रहा है ये, सही है। MIT 6.006 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, ठीक है। अच्छा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम दो है ये, देखो डेटा स्ट्रक्चर मैं भी ये देखता रहता हूँ अक्सर, मतलब अभी का तो नहीं मैंने काफ़ी पहले देखा होगा, अभी तो नहीं देखा मैंने, कोई 2-3 साल पहले देखा होगा मैंने ये, लेकिन ये यूट्यूब मुझे बता रहा है कि ये लेक्चर मैंने आधा देखा हुआ है, ठीक है। टू एरे एंड डायनेमिक एरेज, डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक एरेज, ठीक है। ये MIT का एक और भी है, ये कब का है पता नहीं, काफ़ी पुराना लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी क्योंकि काफ़ी डिम है, काफ़ी पुराना लग रहा है, ठीक है। तो एक MIT का है और एक और भी बड़ा चल रहा था आजकल, हॉवर्ड का था पता नहीं कौन सा था, नहीं हॉवर्ड नहीं था, एक और भी था कोई, अभी मैं भूल गया हूँ, कोई इंस्टीट्यूट है बड़ा अच्छा था, वो कॉर्सेरा पे देखा था मैंने शायद, वो यहाँ नहीं देखा था मैंने। अच्छा ये इसने भी बनाया हुआ है, क्या कहते हैं मोश ने भी बनाया हुआ है ये डेटा स्ट्रक्चर फॉर बिगनर्स, तो बस इनमें से कोई शॉर्ट सा देख लेना, इंडियंस भी बहुत सारे हैं, देखो इसने भी पूरा सी लैंग्वेज के ऊपर इसने पूरा बताया हुआ है डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा डेटा स्ट्रक्चर ना सी लैंग्वेज में सबसे अच्छा समझ में आता है, ज़्यादातर लोग सी लैंग्वेज पे ही सिखा रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई लैंग्वेज पे सीखो, सिर्फ थ्योरी भी समझ लो तो भी सही है, ठीक है। अच्छा DSA कहते हैं इसको शॉर्ट में, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम DSA, ठीक है। अच्छा एक लास्ट मोमेंट भी है, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस, और DSA लिखोगे ना साथ में इसके तो ये आ जाएगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के नाम से ये रिकॉर्ड पे भी हो रहा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी स्क्रीन की, तो ये सब रिकॉर्ड पे भी आ रहा है, ये बाद में जाके देख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो है इनका लास्ट मोमेंट ट्यूशन करके एक चैनल है, ये बड़ा अच्छा चैनल है, ये एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं असल में, तो आप देख रहे हो इसका भी 1 ईयर अगो ये वीडियो है, मैंने देखी भी है थोड़ी सी, डेटा स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा, ये बंदा है, ये बंदा पढ़ाता है, इंडियन है ये लेकिन अच्छा पढ़ाता है ये,